सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए लाए गए ये बच्चे आईटीआई के छात्र हैं, जो जालौन आईटीआई कॉलेज में पढ़ते हैं और अपने कॉलेज से बीमार होकर आए हैं। अपने मुंह के सामने मोबाइल लगाकर अपना मुंह छिपा रहा ये आईटीआई का जालिम प्रिंसिपल गिरजेश द्विवेदी है, जिसने स्वच्छ भारत मिशन को कामयाब बनाने के लिए कॉलेज में इन छात्रों को मजदूरी करने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है और मजदूरी करते हुए ये सभी छात्र बीमार हुए हैं। हमने जब इस प्रिंसिपल से बात करनी चाही तो ये अपना मुंह छिपाकर इधर उधर भागने लगा और बच्चों से मजदूरी कराए जाने को नकारता हुआ दिखाई दिया। जबकि हमारे कैमरे में ये तस्वीरें कैद हो गई हैं कि आईटीआई कॉलेज में बच्चों से कैसे मजदूरी कराई जा रही है। अब जरा आप इस जालिम प्रिंसिपल को देखिए, सुनिए और समझिए। आप मजदूरी करा रहे हैं बच्चों से? बच्चों से मजदूरी हो रही है, बताइए। आप बच्चों को मजदूरी करा रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। आप मजदूरी करा रहे हैं बच्चों से? ये बच्चे बीमार होकर के जो अस्पताल में आए हैं, आप मुंह क्यों छुपा रहे हैं ये बताइए। आप बताइए ना, कैमरे के सामने बताइए ना, क्या प्रॉब्लम? नहीं, आप ये बताइए, छह दिन से आप बच्चों से आईटीआई कॉलेज में मजदूरी करा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन को कामयाब बनाने में हर किसी को साथ देने की जरूरत है और उसके लिए बच्चों को बताया भी जाना चाहिए कि अपने आसपास, अपने घर द्वार में साफ सफाई रखनी चाहिए, ताकि हम स्वच्छ वातावरण में रह सकें और बीमारी से बचें। लेकिन इस प्रिंसिपल ने तो स्वच्छ भारत मिशन की आड़ में बच्चों से मजदूरी करानी शुरू कर दी है, जो कि गलत है। जालौन से रामजी व्यास, न्यूज 75.in।